संस्थाएं के दूध में मिलावट करने वाला गिरोह बेनकाब। फूड अथॉरिटी की रात गए लाहौर समेत दीगर शहरों में नाकाबंदी। लाहौर में कार्रवाई के दौरान 2000 लीटर नाकिस दूध तलब कर दिया गया। मजीद जानेंगे इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक बताइए। बिल्कुल, डी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन की सरबराही में ये क्रैकडाउन किया गया है और क्रैकडाउन जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर किया गया। 8000 लीटर दूध जो है वो तलब कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की निगरानी में भी जो है नाकाबंदी की गई है। 1400 लीटर नाकिस दूध जो है वो तलब किया गया है। डी जी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि लाहौर में नाकाबंदी के दौरान 2000 लीटर नाकिस दूध तलब किया गया, जबकि जाया किए गए दूध की LRI इंतहाई कम यूरिया और पानी की मिलावट पाई गई है, जबकि दूध की मकदार में इजाफे के अलावा आलूदा पानी और केमिकल्स की मिलावट संगीन जुर्म भी है। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि बच्चों और बड़ों में मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बन रहा है नाकिस दूध। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक पंजाब भर में स्पेशल डेयरी सेफ्टी टीमें शहर में आने वाले दूध रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग कर रही है। दूध जैसी बुनियादी खुराक में मिलावट इखलाकी और लालच की बड़ी अलामत है। आवाम से गुजारिश है कि दूध में मिलावट करने वाले लालची माफिया की निशानदेही करके हमारा साथ दें। जी बहुत शुक्रिया इमरान मलिक।